हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए रजनीगंधा के फूल लेकर आई हूं और हमारे गार्डन में ये इस समय फ्लावरिंग पे हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। जितने ही देखने में खूबसूरत हैं उतने ही ये सुगंधित भी हैं। इनमें काफ़ी दिनों से फूल आ रहे हैं और मैं कई दिनों से सोचती रही कि इस पर वीडियो लेकर आऊँ और आज मैंने इस पर वीडियो बनाने की सोची हुई है और आप सभी से शेयर भी कर रही हूँ किस तरह से इन्हें रखना है और कैसे इनकी केयर करती हूँ, कैसे फूल इनमें आ रहे हैं, इनके फूलों को खिलते समय क्या किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, यही सब हमारी इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये दिसंबर मंथ है और दिसंबर मंथ में हमारे गार्डन में रजनीगंधा के फूल खिल रहे हैं। इसमें एक स्टॉक आई हुई है और दूसरी स्टॉक आ रही है और इसमें फूल भी खिल रहे हैं। अभी शाम हो चली है और फूल खिलना शुरू हो रहे हैं। जब इसमें फूल खिलते हैं तो काफ़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है और पूरा गार्डन खुशबू से भर जाता है। इसे हमारे फ्रेंड अगर चाहते हैं तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएँ क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित फूल इनमें आते हैं। तो इस तरह से होते हैं रजनीगंधा के फूल और इनमें काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग चल रही है। आप देख सकते हैं इसमें सूखे सूखे फूल कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं और अभी इनमें काफ़ी बर्ड आई हुई है। ये हमारे गार्डन में रखे हुए हैं, मैंने इन्हें समय समय से केयर किया हुआ है और अभी इनमें फूल आ रहे हैं। काफ़ी गुच्छों में कलियाँ बनी हुई हैं। शाम के समय कुछ कलियाँ नीचे से खिलना शुरू होती हैं और ऊपर की तरफ खिलती हुई जा रही हैं। जब इसमें पूरे फूल खिल जाएंगे तो ये स्टॉक में काट करके हटा दूंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं प्लांट कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसे मिट्टी के पॉट में लगाया हो क्योंकि ये बल्ब से लगे होते हैं। तो इन्हें आप ऐसा पॉट दीजिए जिसमें कि इनके बल्ब अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें और जब भी आप लगाते हैं तो इसको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है ताकि इनकी बल्ब की ग्रोथ होगी, तभी जा कर के इसमें बड बनती हैं और फूल खिलते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक ये आई हुई है, इसी में ये फूल खिला हुआ है, दूसरी स्टॉक यहाँ पर आ रही है और इसमें भी बडिंग हो रही है और अब इसमें भी फूल खिलने की बारी है। अभी हमारे गार्डन में ये इसी तरह से लगे हुए हैं, कुछ दिनों बाद मैं इन्हें और भी अच्छा सा पॉट दे दूँगी तब इनकी आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अभी दिसंबर में इनमें फूल आ रहे हैं, देखते हैं कब तक इसमें फ्लावरिंग चलती है। जब भी आप इन्हें लगा करके रखते हैं तो इन्हें एक अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए। जब इसमें अच्छी सनलाइट मिलती है तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है और पानी बस उतना ही दें जितना कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा इसकी मिट्टी ड्राई भी नहीं चाहिए। अगर आप इस पॉट को देखेंगे तो इसमें मिट्टी नमी बनी हुई है, इसी तरह से मैं इन्हें पानी देती रहती हूं और हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं। नीचे से जो भी सूखी पत्तियां हों उन्हें समय से हटाते जाइए। इसमें गुड़ाई वगैरह करने की तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, अगर गुड़ाई करेंगे तो इसके बल्ब कट सकते हैं और बल्ब से ही ये एक से अनेक होते हैं, इसलिए से इन्हें बचाना, इनके बल्ब को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है और इन्हें गुड़ाई वगैरह नहीं पसंद है। बल्ब वाले प्लांट को जब भी लगाते हैं तो ऐसे पॉट में लगाना चाहिए जिससे उसके बल्ब जब विकास करते हैं यानी एक से दो और दो से चार होते हैं तो अच्छी तरह से उसमें विकसित हो सकें। ऐसे पॉट में लगाइए जैसे मिट्टी का पॉट हो और गहराई कम होनी चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे पॉट में लगाना है। पानी किस तरह से देना है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप इसे पानी दें। अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर इसके फ्लावरिंग का सीज़न आया है तो आप इसे फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब करता है। अगर हम किसी भी तरह का कोई ग्रेनुलर फॉर्म में फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं तो ये इनके पत्तों में अटक के रह जाता है और फिर वो अच्छी तरह से मिट्टी और जड़ों तक नहीं पहुँच पाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने पर प्लांट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। अभी तो मैंने इसे अच्छी मिट्टी में लगाया हुआ है, मिट्टी वेल ड्रेन है और इसमें अच्छी तरह से मैंने कंपोस्ट वगैरह मिलाई थी। कंपोस्ट क्या है, थोड़ी सी मैं गोबर खाद लेती हूँ और थोड़ा सा मैं वही अपने गार्डन में जो वेस्ट मटेरियल से कंपोस्टिंग करती रहती हूँ वही सब लेती रहती हूँ और हमारे सभी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ पर बने होते हैं। यहाँ पर फूल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है, मन खुश हो जा रहा है, इसलिए से ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ है। जब तक इसमें फूल आ रहे हैं इसकी टिप तक फ्लावरिंग होगी और जब इसमें फूल ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसके स्टॉक को काट के हटा दूंगी।
स्टॉक सूखी हुई स्टॉक इसमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे दूसरे भी स्टॉक को नुकसान पहुंचाती है। फूल खिल जाने के बाद में इसके स्टॉक को मैं नीचे से काट के हटा दूंगी और जो इसमें नई बडिंग हो रही है वो अच्छी ग्रोथ पे होगी। तो यही सब है रजनीगंधा के बारे में और अभी दिसंबर में ये हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। मन बहुत ही खुश है क्योंकि हमारे गार्डन में अभी रजनीगंधा खिल रहे हैं और इसीलिए से मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई है। इन दिनों आप भी रजनीगंधा लाइए और अपने गार्डन में ऐड करिए, ऐसी ही फ्लावरिंग होगी और ऐसी ही खुशबूदार आपका गार्डन बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।